हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने स्थानों पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दिन जो है आज 12 तारीख है और काफ़ी अच्छा दिन है। अच्छा क्या बोल सकते हैं, अभी सुबह सुबह ही है, लेकिन आज मेरा रूटीन काफ़ी लेट है। मैं झाड़ू लगाने में काफ़ी लेट हो गई क्योंकि मैंने पहले कपड़े धो लिए। आज कल ना सुबह जल्दी हो जाती है, थोड़ी टाइम में फ़र्क पड़ गया है ना। जैसे 6:30 बजे मतलब अंधेरा नहीं होता है, दिन हो जाता है, तो इस हिसाब से काम भी होता है। तो देखिए, झाड़ू लगा लिया है मैंने सारे में, कपड़े मेरे सुबह धुल गए थे, तो ये मैं झाड़ू लगा रही हूँ। सुबह सुबह सारे काम निपट जाए तो अच्छा रहता है, दिन भर फ्री रहता है बंदा। फ्री तो नहीं रहता, लेकिन फिर भी ये काम जो होते हैं सुबह सुबह वाले होते हैं। कपड़ों की कितने उठा के मैं एक जगह में रख लूँगी। ठंड में काफ़ी फ़र्क पड़ गया, अब ठंड इतनी नहीं है ना। लिफाफे वगैरह होते हैं, उनको जला देना चाहिए, चूल्हे में जला दो, चाहे कहीं मतलब आग, एक जगह आग लगा देनी चाहिए। इधर उधर कूड़ा कूड़ा मतलब नहीं फेंकना चाहिए, मतलब जो जलाने वाली चीज़ है ना उसको जला देना चाहिए, और जो नहीं जलने वाली होती है उसे एक मतलब थैली में डाल के डस्टबिन वगैरह में मतलब डाल के उसे कहीं दूर फेंक देना चाहिए। घर के इर्द गिर्द सफाई रखें, सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है मेरी कि सफाई रखनी चाहिए हमेशा। और ये देखिए मेरा झाड़ू लग गया, अभी धुंध थोड़ी थोड़ी पड़ी है, सुबह 7 की बजे का टाइम है, ये देख सकते हैं आप, मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं। और यहाँ हो गई नाश्ते की तैयारी, तो मैं सैंडविच बना रही हूँ आज, टोस्ट। तो यहाँ मेरे आलू उबल गए थे, मैं छील रही हूँ इनको। दोपहर का वक्त हो गया था, कमरे में 2-2.5 बजे था, तो बेटी ने बोला कि मामा मेरे सिर में तेल लगा दो, मैं इसके सिर में तेल लगा रही हूँ। और ये देख सकते हैं आप,
दौड़ा था जरा। बथेरा था यार, चाय पीता था। तो लीजिए, अब हो गई रात की तैयारी डिनर की। ये देखिए, तेल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, लोहे की कढ़ाई रखी है मैंने, और इसमें धनिया जीरा डाल दूँगी। और जब तक धनिया जीरा चटकेगा, मैं प्याज काट रही थी फटाफट फटाफट फटाफट, और ये जब हो जाएगा तो इसमें मैं प्याज वगैरह डाल दूँगी। ये प्याज डाल दी है, देखिए सभी डालते हैं, मैं भी डालती हूँ। जैसे सभी लोग ऐसे ही बनाते हैं, पर अपना अपना तरीका होता है बनाने का, मैं ऐसे बनाती हूँ। प्याज जब हो जाएगा तो इसमें हम दूसरे मसाले भी डाल देंगे, जैसे हल्दी नमक वगैरह जो भी रहता है, आप लोग भी डालते होंगे, मैं भी डाल दूँगी। तो गाइस, मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना गाइस। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। तो ये तड़का हमारा हो गया, इसमें मसाले वगैरह ऐड करेंगे, जो भी नॉर्मल मसाले होते हैं, हल्दी नमक वगैरह मिर्च वगैरह जो जितने आप खाते हो, और फिर हम इसमें सब्जी डाल देंगे। ये देख सकते हैं आपको, हो गया हमारा तड़का, इसमें हम सब्जी डाल देंगे। ये देखिए, काफ़ी सब्जी बनी थी। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग का कर देती हूँ एंड। तो मेरा वफ़दार रहे हिमाचल, खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो। बाय।